हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जामुन एक साधारण सा फल है जो हमें रेनी सीजन में मिलता है और हर जगह ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। रेनी सीजन यानी जून जुलाई में जितने फ़ायदे जामुन के हैं, उतने ही फ़ायदे जामुन की जो का बीज है, जो जामुन का, उसमें भी उतने ही फ़ायदे होते हैं। तो जामुन का जो इंग्लिश नेम है वो सिजीगियम क्यूमिनाए, और कॉमनली इसे अलग अलग स्टेट में मालाबार प्लम, जावा प्लम, ब्लैक प्लम, जामुन, जामन, जाम्बुल और जाम्बुलान नाम से इसको प्रोनाउंस करते हैं, या अलग अलग जगह पे इस नाम से बोलते हैं। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है पर 100 ग्राम्स वो है, इसमें वाटर होता है 83 ग्राम्स, एनर्जी 60 कैलोरी, प्रोटीन 0.72 ग्राम और फैट इसमें बहुत कम होता है 0.23 ग्राम, कार्ब्स होता है 15 ग्राम्स, कैल्शियम होता है 19 ग्राम्स और आयरन होता है 0.19 ग्राम्स के आसपास, और विटामिन सी 19 ग्राम के आसपास। और जामुन के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ढेर सारे हैं। ये फुल ऑफ फाइबर होता है, ये जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और जो IBS है उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होता है। जो ब्लीडिंग नोज़ होती हैं, जो नोज़ ब्लीडिंग होती है उसको ये कंट्रोल करने में जो हेल्पफुल होता है। जो ब्लीडिंग गम होती हैं, जो पायरिया की प्रॉब्लम होती है उस पर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम को ये कम करता है। किडनी हेल्थ को भी ये बहुत प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसे ये काफ़ी ओवर एक्टिव करता है या हेल्दी रखता है, और जो टाइडनेस है उससे भी ये रिलीफ देता है। और ये डायबिटिक पर्सन इसे इजीली ले सकते हैं। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो फ्रेंडली ग्लूकोज होता है, या डायबिटिक फ्रेंडली ये जामुन होता है, और ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसमें आयरन होता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन काफ़ी इजीली इंक्रीज होता है, हार्ट डिजीज़ को ये रिड्यूस करता है, और बॉडी में जो इन्फेक्शन है विटामिन सी होने की वजह से उनको भी ये रिड्यूस करता है। जामुन खाने का जो सही वक्त होता है वो होता है खाना खाने के बाद, यानी खाली पेट आपको जामुन कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म रेट को काफ़ी हाई कर देता है। इसलिए अगर आप खाली पेट इसे लेंगे तो आपको नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और स्टमक पेन स्टार्ट हो सकता है। इसलिए आप कुछ खाने के बाद ही जामुन खा सकते हैं, और ये वेट लॉस में इसीलिए काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म रेट को काफ़ी हाई कर देता है और स्पीडली फूड को डाइजेस्ट करने लगता है। तो इसलिए हमेशा खाना खाने के बाद आप जामुन ले सकते हैं, और जामुन हमेशा आपको 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 100 ग्राम आप एक दिन में जामुन ले सकते हैं, और ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और उससे ज़्यादा आप जामुन ना लें, इसकी वजह से आपको स्टमक पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, तो इसलिए आप जामुन इससे ज़्यादा न लें, 100 ग्राम से ज़्यादा। तो जितने जामुन के फ़ायदे होते हैं उतना ही फ़ायदे जामुन के शीट के यानी जामुन के बीज के होते हैं। जामुन खा लेने के बाद आप जो है जामुन के जो बीज हैं उन्हें वॉश करके ड्राई कर लें। अच्छे से ड्राई करने के बाद आप इसका पाउडर बना लें, और इसके पाउडर में विटामिन A, C, E, B6, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो बॉडी के लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होते हैं, ये सारी चीज़ें, विटामिन और मिनरल्स। तो आपको इसका पाउडर बना के रख लेना है। इनके जो बीज हैं वो काफ़ी अच्छे से सुखा के आप इसका पाउडर बनाएं, अदरवाइज़ ये पाउडर जो है मॉइस्चर के साथ ख़राब भी हो सकता है। तो इसको आपको सिर्फ 1 स्पून इसका पाउडर आपको एक दिन में लेना है। एक ग्लास पानी लें, उसमें 1 स्पून आप जामुन के जो बीज है उसका पाउडर मिलाएं और इसको पी लें। तो ये जो है डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होता है, और किडनी स्टोन को भी ये रिमूव करता है ये पाउडर। तो जामुन रेनी सीज़न में अवेलेबल होता है, तो आप इसको ज़रूर खाएं, अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।